बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर पुराने वीडियो को लाइक कर ले। अच्छा जी, आज की वीडियो मेरे लिए और मेरे सारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सरप्राइज़ मुझे तो रात का मिल चुका है, लेकिन आपको अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि रात में डेरे गया हुआ था तो अचानक से बार बार फ़ोन कर रहे थे, कहाँ तक पहुँचे, कब तक आना, कब तक आना। तो हमें लगा वैसे ही पूछ रहे हैं कि काफ़ी लेट हो गए हम। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माशाल्लाह जी आगे से ये वाला सरप्राइज़ मिला। ये जी माशाल्लाह होंडा सिटी, ये ले आए। इस बार हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और बिल्कुल एक सरप्राइजिंग चीज़ थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे काम है इसके, तो यही शशके बड़े हैं कि ये चाबी जेब के अंदर डली है और ऐसे इसको किया लॉक खोल के नंबर पे, यहाँ से ये इसको दबाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अंदर से ना इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का है और बहुत ज़्यादा चेंज है माशाल्लाह से। सारा ही ऑलमोस्ट ये टच में ही है, यहाँ से भी ये भी सारे जो से इसके सारे फंक्शन है, कोई बटन शटन नहीं, टच ही है। क्रूज़ कंट्रोल भी है। ये जी होंडा सिटी एस्पायर 1.5 और एस्पायर मेरे ख्याल से होती है 1.5 है इसका। माशाल्लाह ऐसे है जैसे पता ही नहीं लगता है किस टाइम गियर लग रहा है, किस टाइम गियर निकल रहा है। ऐसे बस आपने सिर्फ ऐसे डी पे करके चलाई जानी है। माशाल्लाह इसको मैंने थोड़ा सा ही चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया। गर्म तो होने दे, अभी नहीं नहीं है तो ज़रा गर्म शर्म करके चलाते हैं, ज़रा एहतियात करके। अभी ये थोड़ी गंदी हुई है क्योंकि ये कल लेके आए हैं तो मट्टी शट्टी डली हुई है, कि कुछ चीज़ें भी खाते रहे अंदर बच्चे शच्चे वो देखें, तो इस वजह से। बाकी अभी इंशाल्लाह पापा को हम धीरे छोड़ने जा रहे हैं और खाद लेके जानी है, उसके बाद आके इसको जो हम जब तक समझते नहीं है कि हमारी अपनी गाड़ी हो गई है, वो थोड़े से काम करवाने हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताएंगे और साथ साथ इसके फंक्शंस के बारे में भी बताएंगे और सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी मज़ेदार व्लॉग होने वाला। सारा देखिएगा, गर्म हो चुकी है माशाल्लाह, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ना, आजकल सर्दी है। चलो अंदर, अभी दे रहे हैं जी इसको, पता लग गया और खाने के लिए आ गया। ये देखना, जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा सारे मुर्गों ने इधर इकट्ठे हो जाना कि भैया अब खाने का टाइम हो गया। ये दरवाज़ा खुला और ये देखे, अभी थोड़ी देर तक ट्रैक्टर वाला आने वाला है इंशाल्लाह, वो आके तो गंदम भेज देगा। आजकल माशाल्लाह हर जगह यही गांव में सीन चल रहा है, गंदम भेजी जा रही। आरफ आ जा यार, खाद ले जा। ये देखो ये डेरे आके भी ये बच्ची सिर्फ मोबाइल नहीं देखती है और कोई काम नहीं करती। गंदे मंदे शूज लेके इन्होंने मतलब साफ, चार दिन वाली भी साफ वाला मजा नहीं लेने देना। अभी तो माशाल्लाह ये बैठी है, अभी वो हसनैन घर है, नहीं तो वो कहता मुझे इस सीट पे बैठाओ, दूसरी किसी जगह पे मैंने नहीं बैठा। तो इसके अंदर जी जो माशाल्लाह से नए फीचर जो फर्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कल्टस में भी नहीं थे वो और यारस में भी नहीं थे। एक तो इसके अंदर एंड्रॉयड LED मिलती है जी, और इसमें गाना लगता है, लेकिन मैंने अभी गाना ही सब्र करो। और इसके अंदर ये इकोनॉमी मोड तो सिविक में भी था, उसके बाद ये ऑटो वो जो साइड वाले मिरर बंद होते हैं और खुलते हैं वो भी है, और इसके अलावा ये सारा क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसके अंदर क्या मर भी लहदा चीज़ है भला, दूसरा क्रूज़ कंट्रोल है इसके अंदर, वो पहली सिविक में भी नहीं था और यारस में भी नहीं है। और बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से सेम ही हैं, बाकी कोई चीज़ें इस तरह की नहीं है जो मतलब पहले यूज़ ना किया है। हाँ ये चीज़ वो कीलेस एंट्री है, जेब में चाबी रखो आराम से, ऐसे आके लॉक को आपने दबाना है
और आपके साइड वाले शीशे। इसके अंदर जी माशाल्लाह एक ये स्पोर्ट्स मोड है और ये एल वाला लो मोड होता है इसका मतलब कि मतलब छोटे गियरों में जब चलानी है। ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त पिक पकड़ती है। ये स्पोर्ट्स मोड पे किया है, ये वहां पे गाड़ी अपना साउंड चेंज कर रही है, पिक चेंज कर रही है। मतलब कभी कोई इस तरह का छटरा मिल जाता ना, इसको जरा सबक सिखाना हो तो उसके लिए स्पोर्ट्स मोड है। खैर अभी ये रोड नहीं है स्पोर्ट्स मोड वाला, क्योंकि इस तरह आगे आ जाती ट्रैफिक। तो इसका था जी दूध लेने के लिए, और तकरीबन 5-6 किलोमीटर जब हम वापस चले गए तो तब हमें पापा के पीछे से कॉल आई कि भाई दूध तो ले जाओ, और दूध देना ही पड़ा है और हम अब दोबारा वापस जा रहे हैं डेयरी की तरफ दूध लेने के लिए। ले जी डेरे से आके थोड़ा सा रेस्ट किया है और उसके बाद अब दोबारा से निकलने लगे हैं। जो इसके छोटे मोटे काम कराने हैं आपको काम बता देता हूँ। एक तो गाड़ी के पिछली स्क्रीन पे हमने साही लिखाना है, जो कि हमारा एक वो क्या है कि उसके बगैर हमें ना गाड़ी इनकम्प्लीट लगती है। और अपना यूट्यूब का नाम लिखवाऊंगा चैनल का, और इसका हॉर्न चेंज करवाना है। ये पीछे ये जाली लिखवाएंगे ये पिछली स्क्रीन पे, और डिग्गी वाला मैट लेंगे। इस तरह के छोटे मोटे काम है, इंशाल्लाह चलते हैं साथ साथ। आप चलेंगे तो आपको पता भी लगता जाएगा कि कौन कौन सा काम हम करवाने लगे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको लगवा रहे हैं नया हॉर्न, और ये मैं डिग्गी का मैट लाया था, ये पूरा नहीं आया, ये पिछले मॉडल का है। और पीछे जाली लगवा रहे हैं, वो भी दूसरे मॉडल की है, इस शेप की नहीं है, दूसरी शेप की है, जो मतलब पिछला शेप थी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हॉर्न नहीं मिला है, और उसकी भी फिटिंग हो रही है। ये पड़ा है सबसे अच्छे वाला, मैंने कहा अभी आवाज़ भी आपको चेक करवाते हैं, बाकी ये दोबारा ढूंढने पड़ेंगे नई चीज़ें। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्न लग गया, और बाकी वो ये बड़ा ज़बरदस्त हॉर्न लग गया, नहीं तो वाहन सुनती ही नहीं थी। आप जरा हॉर्न चेक करें माशाल्लाह, अब वाहन को पता लगेगा कि पीछे कोई चीज़ आ रही है, पहले वाहन सुनती नहीं थी। अरे वो कुछ काम तो नहीं हो सके जो जाली वाला था और दूसरा डिग्गी मैट वाला। यहाँ से आए हैं पीछे साही लिखवाने और अपने चैनल का नाम लिखवाने, वो सामने से जाके प्रिंट करवाएंगे, फिर पिछली स्क्रीन पे इंशाल्लाह लगवाते हैं। ये तो ला देने की सोनी ना, जी आज के दिन के तकरीबन सारे काम हो चुके हैं। ये शहरी जेट पहले मैंने लिखवाया था, लेकिन ये थोड़ा बड़े साइज़ का था, तो ये मैंने कहा चलो बाइक शाइक यहीं पर लगा लेंगे। दोबारा फिर बनवाया और वो लगवाया, खैर वो पीछे लगवाया, तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं कैसा लगा। डिग्गी का मैट और पिछला स्क्रीन का जो वो जो जाली थी वो नहीं लगी। अभी फ़ौरन से चलेंगे क्योंकि 5:20 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है। पापा को मैंने ही जा के लेके आना, तो ये ना हो कि ठंडी मिट्टी सी बेइज्जती हो जाए, लिहाजा निकलते हैं। अच्छा जी, तो मैं तो अब गाड़ी को दे के आज के व्लॉग को एंड करता हूँ। तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको गाड़ी कैसी लगी, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, मज़ीद दुआएं करते रहे जी। आप सबकी दुआओं का ही ये नतीजा है, और आपने भी बताना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि मुझे सुजुकी कल्टस और होंडा में से सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी, और आने वाले दौर के अंदर ना मतलब बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या क्या थोड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक्स मुझे लगे, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, शहरी आल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।